Bismillahir Rahmanir Rahim. In today's lecture, we are going to discuss about different body forms and water currents in phylum Porifera. It includes Ascon type, Cycon, and Leucon type of sponges. Ascon, Cycon, or Leucon ke differences, or in mein jo water currents ya water ki movement hai, uske hawale se hum dekhne ja rahe hain. Ye basic sponges ki forms hain, jo sponges ke andar exist karti hain. The life of sponges is totally dependent upon water currents that their flagellated cells generate. Flagellated cells kal aapne padha tha, unko hum naam dete hain choanocytes. Flagellated cells are choanocytes which are found in their innermost layer. Of water currents, they bring food and oxygen to a sponge and carry away metabolic and digestive waste. Ki food jo hai water current ke sath enter hota hai aur waste jo hai wo inki jo osculum hai usse प्रोजेक्ट आउट करेंगे, उससे रिमूव आउट होते हैं. इसमें एस्कॉन सिंपलेस्ट बॉडी फॉर्म है जो आपको नजर आ रही है. सिंपलेस्ट जो स्पंजेस हैं उनमें ये बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एस्कॉन टाइप. और इसके अंदर जो इनलेट पोर्स हैं दे आर नेम्ड एज ऑस्टिया. वेस्ट लाइक एक आपके लिए बॉडी नजर आ रही है, जैसे सामने आपको ये नजर आ रही है. ऑस्टिया और ऑस्कुलम का जिक्र है. देर आर मल्टीपल ऑस्टिया और ऑस्टिया के हवाले से हम पढ़ चुके हैं. दे आर इनलेट पोर्स. और इनकी जो कैविटी है बॉडी के अंदर, दैट इज स्पंजो सील कैविटी, वो इनमें बड़ी प्रोमिनेंट होती है सैक लाइक से स्ट्रक्चर में. बाकी जो बॉडी फॉर्म्स हैं साइकॉन और ल्यूकॉन, इसके हवाले से हम साथ साथ जो है वो फर्दर देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस डिवेलप हो गए हैं. स्पंजो सील आपको दो जगह पे बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही है. एस्कॉन बॉडी फॉर्म में भी स्पंजो सील मौजूद है बॉडी कैविटी, और साइकॉन बॉडी फॉर्म उसमें भी जो है वो स्पॉन्जोसील कैविटी फोल्डिंग के बावजूद नजर आ रही है. लेकिन स्पॉन्जोसील कैविटी इतनी प्रोमिनेंट नहीं है इस केस में. जो हाईली ब्रांच्ड टाइप है इनकी स्पंजेस की, जिन्हें हम नाम देते हैं जो है वो ल्यूकॉन स्पंजेस. सो पहले हम एस्कॉन की बात करते हैं, अब साइकॉन स्पंजेस जो सेकेंड इसकी डायग्राम आपको नजर आ रही है इसके हवाले से. इसमें जो स्पंजेस की बॉडी वॉल है, दिस बॉडी वॉल इज फोल्डेड. ये बॉडी वॉल फोल्डेड नजर आएगी. And water enters a cycon sponge through opening called dermal pores instead of ostia. Ostia तो इसके अंदर मौजूद है, लेकिन invaginations के अंदर कुछ pores बने हुए हैं. These pores are known as dermal pores. ये different points पे. ये भी dermal pore है जहाँ पे invagination है. ये भी dermal pore है. Incurrent canal जहाँ पे नजर आ रही, dermal pores है जिसके through water इनकी body में enter होगा. Pores in the body wall connect incurrent canals to the radial canals. ये incurrent canals हैं जो outward water के साथ direct contact में हैं, जबकि इनकी जो inner body के अंदर canals ये बन रही हैं, जिसको हम यहाँ पे yellow color या ये dark ये orange color से highlight कर लेते हैं. ये हैं जी इनकी dermal radial canals. तो incurrent canal और radial canals का connection develop होता है pores की वजह से, which are the dermal pores. Dermal pores इन दोनों को आपस में connect करेंगे. Choanocytes, ये जो आपको dark purple सी layer नजर आ रही है ना inner side पे, ये choanocyte की layer है भी. Inner side of this infolding, it's lined by flagellated cells. ये flagellated cells कहलाते हैं choanocytes. Choanocytes they line radial canals rather than spongocoel. कि spongocoel ये जिनकी cavity है, इसमें लाइनिंग करने के बजाय वो रेडियल कैनाल की लाइनिंग में ज्यादा मौजूद होते हैं. एंड बीटिंग ऑफ क्वेनोसाइट फ्लैजेला मूव वाटर फ्रॉम ऑस्टिया, डर्मल पोर्स के साथ साथ जो ऑस्टिया मौजूद है, टू द स्पॉन्जोसील एंड आउटवर्ड टू द ऑस्कुलम. तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है. एक तो इनफोल्डिंग डेवलप हो गई है, दूसरा जो इनके फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो इन इन्वेजिनेशंस के अंदर ज्यादा हैं, बजाय इसके कि कैविटी वाली साइड पे या स्पॉन्जोसील साइड पे मौजूद हो. Third body form which is highly branched is Leucon. They are having extensively branched canal system, Leucon body forms, and they have certain ostia and branched incurrent canals which lead to the choanocyte lined chambers. ये जो chambers इनके अंदर नजर आ रहे हैं, these are choanocyte lined. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनमें देख सकते हैं, these are choanocyte chambers. इनके अंदर जो लाइनिंग है फ्लैजिलेटेड सेल्स की, वो इनर साइड पे है. और इनमें भी
ऑस्टिया की बजाय हम टर्म यूज कर रहे होंगे यहाँ पे डर्मल पोर्स की, डर्मल पोर्स जो कि इनवर्ड मूवमेंट को जो है वो इनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे। दो तरह की कैनाल्स का भी यहाँ पे जिक्र है, इनकरेंट कैनाल और एक्स करेंट कैनाल। एक्स करेंट कैनाल क्या है? एक्स करेंट कैनाल्स दे लीड अवे फ्रॉम द चैम्बर्स एंड दे कैरी अवे वॉटर फ्रॉम द बॉडी। प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन जो है इनके चैम्बर्स की एंड कैनाल्स हैज रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड और द स्पॉन्जोसील और कुछ ये जो लिकॉन बॉडी फॉर्म्स इनके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि इनमें स्पॉन्जोसील एब्सेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है कि स्पॉन्जोसील इज एब्सेंट इन केस ऑफ लिकॉन बॉडी फॉर्म। एंड ऑफन मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, एस्क्यूला एक से ज्यादा है, एस्क्यूलम 1, 2, 3 किसी और पॉइंट पे भी जो है एस्क्यूलम हो सकता है। देयर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स फॉर द वॉटर एज वेल। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं एस्कॉन साइकॉन और लिकॉन बॉडी फॉर्म्स में। इनके हवाले से जो है वो कोई कंफ्यूजन कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हो तो पहले वो डिस्कस कीजिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं।